मैं इस्लामिक ब्रांड्स आर्टिस्टिक मेटल चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटर जवाद यूनस और आज जो क्लास में आपको समझाने जा रहा हूँ वो है एनवेलप बनाने की क्लास। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेटर हेड का सेम टू सेम डिज़ाइन हम लोग एनवेलप में बनाएंगे ताकि एक ही स्टेशनरी हमारी लगे। तो ये साइज मैंने लिखे तो आप इसको नोट डाउन कर लें या आपको साइज दे देंगे। उसके अलावा आप गूगल पर जाके भी एनवेलप के साइज देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। चलने चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। सबसे पहले ये बड़ा एनवेलप मैं आपको बनाने सिखाता हूँ। हम एक रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे, कोई भी बॉक्स ले लेंगे, ठीक है, वो किसी भी साइज का ले लेते हैं। तो एक रेक्टेंगल टूल पे इधर आके क्लिक कर देंगे। विड्थ मैंने लिखी हुई है, विड्थ का साइज आपने रखना है 9.0157 इंचेस में और 12.7559। ओके जब आप करेंगे तो ये आपके पास बन के आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, इसको रेड या किसी भी कलर का स्टॉप दे देनी है और इसका जो फिल कलर है उसको ज़ीरो कर देना है। ओके वाइट कर दें। ओके ये आप देख सकते हैं ये हमने क्रिएट कर लिया। इसको डालते हैं कि लाइट कलर है, इसको थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं ताकि थोड़ा समझ में आए कि किस तरह हमने वो करना है। ओके ये चीज़ हमने बना ली, इसकी आउटलाइन क्रिएट कर ली। ये ऊपर वाली क्रिएट कैसे करनी है, सेम टू सेम बॉक्स को हम लोग जो है तो इसकी हाइट ऑल्ट प्रेस करके साइड पर कर देते हैं और इसकी हाइट सेम टू सेम जो वही कर देते हैं। हाइट पे इधर आके 1.5748 एंटर करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे सामने। इसको एग्जैक्टली मैं इसी जगह पे आके रखूँगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, रूलर से पकड़ के एक इधर आर्क लगा दूँगा, रूलर से पकड़ के एक इधर आर्क लगा दूँगा। ओके जी ये एग्जैक्टली 1.2 के फर्स्ट वन पे है। इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट एक इंच छोड़ के एक इंच और 5 का मैं डिफरेंस दे देता हूँ। मेरी चॉइस है कि मैं कितना डिफरेंस देना चाहता हूँ। इस पर जस्ट क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करूँगा शिफ्ट प्रेस करके और इसको इस जगह पर रखूँगा। तो ये तो बन जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक कर लूँगा। अब इस पर भी सेम टू सेम यही साइज आपने लेना है। ये आप देख सकते हैं 5 ये हो गया और 1 इस जगह पे हमने इसको करना है। 5 ये हो गया 1 ये हो गया। तो एग्जैक्टली थोड़ा सा और आगे इस जगह पे जस्ट आपने सेलेक्ट करना है और डबल क्लिक करके शिफ्ट प्रेस करके तो इस जगह पे रख देना। तो ये चीज़ हमारे सामने आ गई होगी है। तो इसको मैं क्या करूँगा, जो लेटर हेड वाला था सेम टू सेम इसको पकड़ के जगह पर ले आता हूँ। राइट क्लिक करके अनलॉक कर लेता हूँ, रिलीज मार्क कर लेता हूँ, इसको इस जगह पर ले आता हूँ। ये लोगो मैं इस जगह पर ले आता हूँ और इस कलर को सेम टू सेम इस कलर का कर देता हूँ क्योंकि थीम हमने सेम रखनी है। तो इस तरह से सेम कर देता हूँ, कंट्रोल जी कर लेता हूँ, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी लेके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके ब्रिंग इट टू फ्रंट कर लेता हूँ। तो ये एक आप फिर आपकी एक साइड बन गई। फिर इसको पकड़ के इधर ले आता हूँ, फिर इसको अनरोज कर देता हूँ और इसको एग्जैक्टली थोड़ा सा बड़ा करके कंट्रोल जी इस पर क्लिक करके इसको बड़ा कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके फ्रंट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं और इसको एग्जैक्टली इस जगह पे रख देता हूँ जिस तरह हमारे लेटर हेड में था और इसको 10% दे देता हूँ। देन नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसकी बैक साइड बनानी है। बैक साइड बनाने के लिए जस्ट आपने ऑल्ट प्रेस करके एक कॉपी ले लेनी है इसकी। हार्डबोर्ड का साइज थोड़ा बड़ा कर देना है ताकि आपकी बैक साइड से लगी जगह बन जाए। तो ये बन गई, ये चीज़ आपकी बन गई। ओके
फिर आपने क्या करना है, जो आपने बनाया था लेटर हेड में सेम टू सेम उसको कॉपी कर लेना है और इसको इस जगह पे ला के रख देना है। राइट क्लिक करके ब्रिंग इन टू फ्रंट, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके एक्सेप्ट उसी जगह पर रख देना है। फिर बी प्रेस करके, बी की ऑल्ट प्रेस करके कॉपी ले लेनी है। तो ये हमारी फ्रंट बैक बन गई है। जो कटिंग करना वाला होगा वो इधर से कटिंग करेगा इसको। ओके, तो वो परेशानी नहीं है कि वायर आ रहा है। तो वायर आने वाले को रिमूव भी करना है तो आप जस्ट एक बॉक्स लगा के इस पर क्लिप मार्क कर सकते हैं। तो इस पर भी सेम टू सेम इस कर सकते हैं। तो अब आते हैं छोटे इनवेलप की। छोटे इनवेलप का साइज भी इसी तरह आपने बॉक्स लेके बनाना है। करें ये बॉक्स मैंने ले लिया और एक क्लिक कर लिया और इसके साइज रख दिया 8.6614 4.3307। ओके कर लिया तो ये बॉक्स बन गया। ओके, ऑल्ट प्रेस करके एक और कॉपी ले ली इसकी, ओवरऑल सिलेक्शन करके इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया और इसको कलर दे दिया स्टोर पे। सेम टू सेम वही वाला मेथड जो पीछे हमने किया। ये दो साइड हमारी बन गई। तीसरी साइड ऊपर वाली बनाने के लिए ये सेम रखते हैं। हाइट इसकी कम होगी, हाइट ये है। क्या हाइट है, 1.1811। ये की हाइट बन गई एग्जैक्ट इस तरह रख देना और आई प्रेस करके एक कलर कर देना। आपने सेम टू सेम टेक्निक अप्लाई करनी है जो कि आपने छोटे बड़े एनवेलप में अप्लाई की थी। इसको क्लिक कर लिया और इसको पकड़ के फर्ज करें कि इसको 9 पे आके खत्म कर देता हूँ। मैं इसके 2 ले लेता हूँ इस बार। इस पर डबल क्लिक करके इसको सेलेक्ट किया और इसको इस जगह पर ला कर रख दिया। अगर 45 एंगल रखते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। 45 ज़्यादातर लोग 45 रखते हैं। देन आपने क्या करना है, जस्ट इस जगह पर लाइन लगा लेनी है। ये आप देख सकते हैं कि एक्जैक्टली मैंने उसकी जगह पर रख दिया है। ये पूरा एक बनता है। फिर मैं इस पर क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके इतना लाइन लगा दिया। लिटिल बिट और इस तरफ कर दिया तो ये हमारे पास एक्जैक्टली उसी तरह बन गया है। तो हमें क्या करना है, सेम टू सेम इसको कॉपी कर लेना है और प्रेस करके, या आप जो अपना ये है किसी को ले आए, राइट क्लिक करके रन कर दें, इसको इस जगह पर रख के थोड़ा बड़ा कर दें। ओके, देन जस्ट इसको इस जगह पर ले आए हम लोग, इसको छोटा कर लिया, इसको सिलेक्ट करके इसको छोटा कर लिया और राइट क्लिक करके इसको टॉप कर दिया, फ्रंट कर दिया। इसको एग्जैक्टली इस जगह पर रख दिया और इसको इस जगह पे कर दिया है। फिर सेम टू सेम वही चीज़ पकड़ के ला के ओवरऑल सिलेक्शन करके इधर ला के रख दिया, राइट क्लिक करके टॉप कर दिया और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया अकॉर्डिंग टू साइज। तो ये बन गया आपका दूसरा एनवेलप। तो ये थी सिंपल सी टेक्निक कि आपने एनवेलप कैसे बनाना है। तो लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे हर ट्यूटोरियल की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। जो आप इसको याद रखीजिए। अल्लाह हाफिज़।